दर्शक कर सिर्फ एक ही आदमी को नहीं देखना चाहता, ये जी, तो आप मानिए। दर्शक सिर्फ एक ही आदमी को नहीं देखना चाहता, ये जी, तो आप मानिए। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ मीडिया वाले स्वतंत्र नहीं, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ मीडिया वाले स्वतंत्र नहीं। मैं यही कहूँगा कि आप स्वतंत्र रहिए, मैं यही कहूँगा कि आप स्वतंत्र रहिए। कोई किसी को जीवन भर साथ नहीं देता, ना ही हम ही किसी को जीवन भर साथ देंगे। और मेरे दिमाग में और मेरे दिमाग डर नाम का चीज नहीं है, सच बोलने के लिए मैं पीछा नहीं हटता हूँ। इसके लिए बाद में मुझे नुकसान भी पहुंच जाएगा तो उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। देखेंगे आपका चैनल पर कहाँ कोई स्टार का है उतना, जिस तरह हम सब नॉर्मल सिंगर है, बाकी सब आप नॉर्मल सिंगर के कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर कर रहे थे। आपका देखें पेज अच्छा खासा, तो हम तो बोले ही रहे आपको खोल के देखे हैं मैंने, ठीक है। राजा ये लोगों को दिखाए थे, लेकिन भैया सच्चाई वाला अच्छा ग्रो कर गया। हम बोले बहुत अच्छा बेचारा, बहुत मेहनत कर रहा था और सच्चे ईमानदार आदमी है, तो मुझे अच्छा लगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, देखिए अच्छी बात है, आप स्टार सब जुड़ के रहिए। दर्शक सिर्फ एक ही आदमी को नहीं देखना चाहता, तो आप मानिए ना, एक आदमी को किसी से देखा जाए। आप बड़े कलाकार से जुड़ के रहिए, अच्छी बात है, आपको उनसे फायदा होगा। जी जी जी, लेकिन हमारे दर्शक जो हैं वो सिर्फ एक ही आदमी को नहीं देखना चाहते हैं, वो सबको देखना चाहते हैं। ये सिर्फ एक भ्रम फैला देता है कि ये उसका है ये उसका है। रियलिटी बात ये है कि एक ही दर्शक है जो कि सबका गाना सुनता है। कम से कम अभी प्रभाकर यादव का गाना का बजट क्या होता है, एक गाना का बजट बताइए। क्योंकि अभी आपके ऊपर पैसा लगाने वाले कितने कंपनी वाले हैं भैया? बहुत सारा कंपनी वाला है, कंपनी वाला ही पैसा लगा, हम लोग काम करते हैं, कहाँ से काम कर पाएंगे। अभी जम्मू जिला सिवाय मैजिक में है और हमारे साथ जो है मगही स्टार प्रभाकर यादव जी हैं, आज इनसे आपको मिलाते हैं और तमाम बिंदु पे हम बात करने का प्रयास करते हैं। काफी दिनों के बाद मुलाकात हुआ है और काफी हिट गाना भी चल रहा है इनका, यादव जी राम राम। आप गाना भी सुने होंगे, चानन क्षेत्र में भी इनका गाना बज रहा था और बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलवाते हैं, तमाम जनता में लेने का प्रयास करते हैं। स्वागत है, धन्यवाद और आपका भी स्वागत है जी। कैसे हैं थोड़ा सा दर्शक जानकारी? बहुत अच्छा है, आप सबका प्यार है, हमारे भगवान से दर्शक का प्यार है, तो अच्छा रहेंगे जी। अभी आपका गाना भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में एकदम पूरा एकदम हिलाए हुए हैं, कैसे ये मने ये सबका प्यार? बस आप सबका प्यार, हम बोले ना कि हमारे भगवान से दर्शक मुझे प्यार करते हैं, किसी को भी करते हैं तो वो मार्केट में देखते हैं। हम एक गाना का बात करेंगे भैया, जो भी चामन क्षेत्र में चर्चा चल रहा था आपका, यादव जी राम राम, ये गाना का राइटर कौन है और कैसे ये प्लान किए कि गाना में लगाती है राम राम? देखिए यादव जी राम राम वो जो है वो राजू राजा लिखे हैं, ठीक है। और यादव जी राम राम है तो देखिए एक तरह से यादव जो है हम लोग जो द्वारा समाज हम लोग है वो कृष्ण वंशज है, ठीक है जी। और कृष्ण भी कहीं ना कहीं सियोरली वो राम भगवान का ही अवतार है जी। सही बात है, अभी भी लोग राम राम ही बोलते हैं सुबह सुबह। इस गाना में है ना राम राम, तो राम भगवान तो एक है, रूप अनेक है, ठीक है, वही राम है वही कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान ग्वाला वंशज के हैं। पूछा उसमें क्या हुआ हमसे, वो लड़की पूछी है कि एकदम लुकवा ऐसा गजब की तुम्हारा स्टाइल वाला तुम है कौन मुझे बताओ, तब हम बताए कर जती है बजांडे हमर चल है पुराना, अरे करो है सब प्रणाम कही के यादव जी राम राम। देखिए हमारे राजू भाई है इधर, प्रोफेस दिखाइए, यादव जी राम राम ये और राजा भाई है और भी बहुत सारे राइटर हैं, ठीक है, जो कि गाना अभी दे रहे हैं और उनका भी गाना रिलीज नहीं हुआ, इसलिए नाम खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो क्या बोलता है ना कि जो बोलता है लुतरी लुतरी लगने वाला काम ज्यादा होता है। रंगदारी भी गाना गाए तो उसमें भी हम किसी को गाली गलौज नहीं किए थे, बोले कि वैसे होता है ना कि थोड़ा सा कुछ अलग करना। मैंने आप बोले थे कि माहौल बदलने वाला, वास्तव में माहौल बदल गया, माहौल बदल गया। तो अभी पहले क्या चल रहा था कि थोड़ा सा अश्लीलता भी तो बीच में भग गया, अगर हम रंगदारी गाना गाए तो अश्लील तो भी भग गया, असली पहले चल रहा था तो ये वो लंग फंग। जब हम रंगदारी गाना गए तो उसमें किसी को गाली नहीं दी, गाली नहीं दी, लेकिन टर्निंग पॉइंट आ गया वहाँ पे, माहौल बदला। माहौल क्या बदला कि सब कोई रंगदारी गाना गा रहा है, रंगदारी में कोई माई बहन को गाली नहीं दे रहा, उसमें जोड़ी चोली दिख नहीं रहा, ठीक है। अब जब हम रंगदारी गए तो सब भाई लोग गाने लगे, जब गाने लगे तो माहौल फिर चेंज हो गया, अश्लीलता तो कुछ देर के लिए हटा पूरी तरीके से, कुछ देर के लिए हटा। और उसके बाद में आप नाम लिए सौरभ भाई का, तो बहुत अच्छा, हम भी उनका गाना सुने और मुझे बहुत खुशी हुआ कि कोई कलाकार बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसके बावजूद भी इतना नहीं कुछ हो पाता है, और वो कब से वो मेहनत कर रही है तो मुझे जानकारी नहीं है,
लेकिन बस हम जब देखे तो हमको बहुत खुशी हुआ कि चलो कम से कम एक गांव का लड़का और आपका कम से कम लखीसराय जो हम लोग का एरिया है, लखीसराय जम्मू टोटल हम लोग का एरिया है, कम से कम अच्छा लगता है कि हमारे मगही के लिए एक और आया। भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा गया कि तमाम जितने भी एक्टर काम करने वाले हैं तमाम हीरो के बारे में गलत गलत अफवाह चल रहा है, क्या लगता है कि प्रभाकर यादव का भी ऐसा कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अफवाहें होते रहते हैं। अब देखिए रियल क्या होता है भैया, उनके साथ में नहीं नहीं रियल क्या रहता है बताते हैं आपसे, अगर आपको मुझसे काम बन रहा है तब तक आप मेरे हैं। अगर अगर हो सकता है कि आप मीडिया वाले आपको मतलब कि हम मुझे आप समझ नहीं आ रहा तो किसी और मीडिया वालों को पकड़ लेंगे। नहीं नहीं तो सही बात है, जब पकड़ लेंगे ठीक है तो आप मेरे नहीं बोल रहे हो। जख्मी रोहित जी हैं जो चानन क्षेत्र का वायरल राइटर है, गायपल का नोट का गाना उनका काफी वायरल हुआ था, क्या लगता है प्रभाकर यादव जी उनसे भी गाना लेंगे क्या करेंगे? क्यों नहीं लेंगे भाई, अच्छा लिखेंगे तो जरूर लेंगे। ठीक है, अभी तक कोई बातचीत नहीं चला, अभी तक कोई बात क्या बधाई देना चाहेंगे? वो उनका भी कहना था कि हम जब वायरल हुआ था अभी तक ना तो कोई राइटर बधाई दिए ना तो स्टार बधाई दिए। बधाई क्यों किसी को देगा भाई, आप लोग मेहनत कीजिए ना, मुझे कौन बधाई देने गया, मेरा भी तो गाना बजा और भी सिंगर का गाना बजा ट्रेंडिंग में गया तो उनको कोई बधाई देने गया है? नहीं देने गए, वो भी तो पहले बार नया किया ना, जैसे कि हम मतलब कि डायरेक्ट स्टार बन के तो फिर पूरा माहौल बना के जन्म नहीं लिया, आके हमारा धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ा तो मुझे भी बधाई देने आया, क्यों देगा? सब आपका गाना सब लोग सुना, सराहा, प्यार किया, इतना अच्छा रिस्पांस दिया रील पर, यूट्यूब पर, तो आपके लिए वही बधाई है जी, वही प्यार है। किनको आप सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं? सभी लोग बोलते हैं हम इनका फैन है, वो बोलते हैं हम इनका फैन है, पर प्रभाकर यादव जी किनका फैन है? तो बोले नहीं, मैं सभी कलाकार गाना सुनता हूँ, तो वो छोटा कलाकार हो बड़ा कलाकार हूँ, सभी का गाना सुनता हूँ, सभी का मतलब पर्सनली एक का नहीं, मैं सबका सुनता हूँ, सबको अपने अपने जगह परफेक्ट है। और भोजपुरी के बहुत सारे दिग्गज कलाकार हैं तो मैं सब कोई अपने अपने जगह बहुत अच्छे हैं, सबके अंदर एक अलग अलग क्वालिटी में सबसे बाल आप इतना क्यों रखते हैं? देखिए बाल कटवा लिए पहले से हम आपको देख रहे थे, बाल कटवा लिए, बाल बड़ा बड़ा अपना अपना शौक होता है, कब से बाल का शौक है आप? कैसे बाल का शौक है? बचपन से है, मतलब फिर भी किसी को देखे बचपन में देखे नहीं हम, क्या बोले कि मेरा हम देखिए सब हमारा एक अपना एक स्टाइल है, किसी का देख के पूछिए मेरा ये नहीं है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं, जरूरी नहीं कि आपको अच्छा लगे वो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो आपको अच्छा लगे जी। तो बाल के प्रति क्या आपको भैया मेहनत करना पड़ता है? इतना कुछ मेहनत नहीं करते हम, एकदम लाइबो साबुन से नहाते हैं, करुआ तेल लगाते हैं। कितने दिन में शेविंग करवाते हैं? शेविंग बनेगा कितने दिन में करवाते हैं? महीना दिन भी हो जाता है कभी कभी जी। आप हम देखे भैया मोच भी रखते हैं, तो ये मोच कभी बड़ा होगा या सिर्फ मोच इतना ही? आप देखिए ये प्रकृति का देन है, अगर इससे ज्यादा हो जाता अच्छी बात है। दर्शक आपको दाढ़ी का शौकीन है लेकिन देखिए अफसोस की नहीं हुआ है, ऐसा होता है हार्मोन वगैरह कारण से, सब कोई दिक्कत नहीं लगता है कि मोच भी पड़ेगा, बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा। इतना बढ़िया आपका जो शरीर है इनके लिए आपको क्या खाते हैं? जैसे चिकन खाते हैं या दूध पीते हैं? कितना दूध पचाते हैं? नहीं हम मांसाहारी नहीं, चिकन मीट मुझे नहीं। इतना बढ़िया सर शरीर आप जो है दूध वगैरह खाते हैं? कितना दूध पचा लेते हैं? दूध कितना पचा लेते हैं? पचा क्या लेंगे, जितना मुझे जरूरत रहता है पचाने, वो सब तभी हम ट्राई नहीं किए कि हम 5 किलो दूध पचा लेते हैं। कुछ एक केजी दूध हम रोज खाते हैं बस, इससे गाय का भी भैंस का कुछ भी मिल जाए, गाय भैंस को नहीं आता डाले और अलग से क्या भैया दूध के सिवा और क्या? अरे बोलते वो काजू वगैरह यही सब खाते रहते। कितने टाइम में प्रभाकर यादव जी जो है खाना कितने टाइम खाते हैं? कभी एक ही टाइम खाते हैं दिन भर में, कभी कभी दो टाइम खाते हैं, खाना का कोई टाइमिंग नहीं है, पता चलता है कभी कोई दिन भर भूखे रह गए रात में खाना खाए डायरेक्ट, ऐसा भी होता है। इतना साफ सफाई मैंने कैसे मिलना, कौन इतना साफ सफाई में आपको सबसे ज्यादा गाइड कौन करते हैं? अपने अपने गाइड कौन करेगा इतना साफ सफाई गाइड करेगा? हम बच्चा महीना में कितना कपड़ा बदलते हैं प्रभाकर यादव जब हम मिलते हैं, जब कुछ अलग लुक में मिलते हैं बताइए दर्शक। कपड़ा देखिए क्या बताते हैं, कपड़ा देखिए कपड़ा खाना ठीक है गाड़ी घोड़ा ये सब जरूरत की चीज है, तो जिसको जहाँ लगता है जैसा जरूरत वो करता है, जैसे अभी हम कपड़ा पहने मुझे इसका जरूरत था तो मुझे ये पहने ठीक है। और कितना दिन में बदली हो जाता?
आप इसको आज हम पहने, ठीक है, अभी आज गंदा हो जाएगा तो फिर कल इसमें नहीं पहने, कल फिर धोएगा तब पहनेंगे। लेकिन बदलते रहते हैं हम देखते हैं आपका क्या है, क्या हम लोग दौड़ते रहते हैं, थोड़ा सा गंदा हो जाता है कपड़ा, क्या गंदा कपड़ा पहन के चलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा शरीर के लिए भी हानिकारक होता है, ठीक है। ये सब चीज ऐसा कुछ नहीं, सब अपना जरूरत का चीज है ऐसा। तो चलिए तमाम जानकारी हम लिए, प्रभाकर यादव जी हैं, मगही इंडस्ट्री में बचपन से अपना स्ट्रगल किए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई भी स्टार बने हैं तो सबसे पहले सबसे ज्यादा योगदान उनका मेहनत का होता है। अच्छा इनका रिस्पॉन्स है मार्केट में भी, जहाँ भी जा रहे हैं सभी लोग बोले कि नहीं इंटरव्यू कीजिए, तो आज मुलाकात हुआ है, बहुत सारे बिंदु पे बात की। आप इस वीडियो को देखिए, कमेंट से माध्यम से राय दीजिए, फिर मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।